समाचार पत्र एवं उसके संस्थापक। बंगाल गजट 1780 ईस्वी में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। इसका संस्थापक थे जेम्स अगस्त हिकी थे। समाचार दर्पण 1818 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, संस्थापक थे जेसी मार्शमैन। हिंदू पैट्रियस 1853 में इसका स्थापना हुआ था कलकत्ता में, संस्थापक थे गिरीश चंद्र घोष। ने सोम प्रकाश 1859 में ये भी कलकत्ता में हुआ था, इसके संस्थापक थे द्वारकानाथ विद्याभूषण। ने इंडियन मिरर 1861 में कलकत्ता के में इसका उद्घाटन हुआ था, संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर। ने अमृत बाजार पत्रिका 1868 में कलकत्ता में हुआ था, इसका संस्थापक थे मोतीलाल और शिशिर घोष। ने दी हिंदू 1878 मद्रास के में स्थापना हुआ था, संस्थापक थे बी राघवाचारी। ने केसरी 1881 में इसका स्थापना मुंबई में हुआ था, संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे। ने इंडिया 1890 में इसका स्थापना बम्बई में हुआ था, संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। ने दी इंडियन रिव्यू इसका स्थापना 1900 में हुआ था, मद्रास में इसका स्थापना हुआ था, संस्थापक थे ए नटेशन। ने इंडियन ओपिनियन 1903 में हुआ था, यह दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, संस्थापक थे महात्मा गांधी। ने युगांतर 1906 में इसका स्थापना हुआ था, यह कोलकाता में इसका आयोजित हुआ था, संस्थापक थे भूपेंद्रनाथ दत्त। ने बंग दर्शन 1873 में इसका स्थापना हुआ था, इसका कोलकाता में इसका हुआ था और संस्थापक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। ने द लीडर 1918 में हुआ था, इस इलाहाबाद में इसका स्थापना हुआ था, संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। ने स्वदेश मित्रम 1882 में इसका स्थापना हुआ था, मद्रास में इसका हेडक्वार्टर था, संस्थापक थे जी एस अय्यर। ने सर्वेंट ऑफ इंडिया 1918 में इसका स्थापना हुआ था, यह इलाहाबाद में हुआ था, संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। ने इंडिपेंडेंट 1919 में इसका स्थापना हुआ था, ये इलाहाबाद में हुआ था, संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू। ने नवजीवन 1919 में इसका स्थापना हुआ था, ये अहमदाबाद में हुआ था, संस्थापक थे महात्मा गांधी। ने यंग इंडिया 1919 में इसका स्थापना हुआ था, अहमदाबाद में इसका स्थापक संस्थापक थे महात्मा गांधी। ने हिंदुस्तान टाइम्स 1924 में इसका स्थापना हुआ था, मुंबई में इसका हुआ था, संस्थापक थे के एम पणिकर। ने हरिजन 1933 में इसका स्थापना हुआ था पुणे में, संस्थापक थे इसका महात्मा गांधी।